नमस्कार देवियों और सज्जनों, एंड माय डियर प्यारे किंग्समैन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मजे में होंगे और बड़े परेशान रहते हैं आप लोग। कमेंट में देखता हूं मैं डेज गॉन की वीडियो कब आएगी, कहां आएगी। एक बात बताओ पगले, आज हम ये नहीं सोचते हो कि जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी देख रहे हैं, स्पाइडरमैन देख रहे हैं, वॉच डॉग्स देख रहे हैं, उनको क्या भूल जाऊं? उनसे भी तो मोहब्बत करते हैं ना भाई उनको नहीं छोड़ सकते ना, सबके लिए वीडियोज अपलोड कर रही ना पगले। तो एक के लिए, सिर्फ एक ही लेके नहीं चल सकता ना, थोड़ा समझा करो। और अगर ये सब बातें बोलने के बाद भी अगर आप ये कमेंट करते हो, इसका मतलब ये कि आप वीडियोस देखते नहीं हो बस मक्खन लगाने चले आते हो। क्यों, याद है यहाँ पे हमने ब्लास्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए? खैर, थोड़ी सी बात कर लो मिशन के बारे में। थोड़ी क्या, बहुत बातें करनी है उसके बारे में, लेकिन समझो ना थोड़ा पगले, थोड़ा समझा करो चीजों को। चले मिशन पे, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आई होप आ रही होगी। तो मिशन ये है कि फिर से मेरी मोहतरमा ने, मैडम ने, सहरा ने याद किया है। लास्ट टाइम दो मिशन बड़े धमाकेदार तरीके से हमने किया था, जहाँ पे आपने देखा ही होगा काफी अच्छा मिशन था, बहुत टाइम बाद मिला। सो फिर से उन्होंने याद किया है, देखते हैं इस बार क्या मिशन है क्या नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि कुछ कॉल में कुछ बताया नहीं, सिर्फ मिलने के लिए बोला है। सो मैं जा रहा हूँ, फिर देखते हैं, लेट्स गो। Hold up. You want one alive? Oh, kind of hard to run tests on something dead. Here. What is that? It's a special tranquilizer. It'll help you knock it out long enough so you can bring it back here. I'm so close, Deacon. This could be it. Yes, ma'am. Deacon, come in. Hey, I was just heading out to find you a newt. Great. Okay, there's a specific one that I need, all right? Oh, wait, hold on for a second. A specific newt? South of here, just off Rim Drive, is an old resort cabin. It's now home to an entire colony of infected kid newts. Okay. Okay, so radio me when you get there. Sarah out. Colony of newts. Oh my god, this I gotta see. So, अभी तक होता ही आया यार कि... Hey, Captain. I'm on a run for Lieutenant Whittaker, so I'm kind of busy at the moment. Understood. Report to me when you're finished. All right. We're ready to test Weaver's weapon. Oh. Curry out. कभी सारा कभी वीवर, मतलब बहुत तेजी से काम चल रहा है। So much for Sarah beating Weaver to the finish line. Yeah, वह बोला था ना कि दुरोम से जो भी, जिसका भी काम कर जाएगा तरीका, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका फिर मैं समझाता हूँ। मान लो सारा और कोरी दोनों लगे हुए हैं, ठीक है, अपनी अपनी तकनीक से हराने में उनको, जॉम्बीज को, और अगर सारा किसी तरह से फेल हो गई तो सारा का सारा आइटम जो भी ये सामान उसके पास है सब उठा के दे देंगे उसको, वीवर को। और अगर वीवर, एक मिनट कुछ दिखा मुझे, वीवर अगर हार गया तो वही होगा, मतलब वीवर का सर का काम नहीं किया तो। मेरे पास स्क्रैप बिल्कुल नहीं था। अब एक बात बताता हूँ, हर बार सारा का जो मिशन होता है कुछ ये लेके आओ वो लेके आओ, बट इस बार एक जिंदा न्यूट को लेके आना है। वो छोटे छोटे नहीं पिद्दे भर के होते हैं, उनको लेके आना है, एक को ही लेके आना है। एक को ही लेके आना है और वो भी कोई खास तरह का है जैसे सारा ने बताया। तो उस लोकेशन पे पहुंचते फिर देखते हैं, ठीक है। पहले उनकी कोई कॉलोनी की बात हुई थी यार, कॉलोनी हमने कोई देखा तो नहीं, बट मजा आएगा। सर, आई एम हियर। ऑलराइट, यू आर लुकिंग फॉर अ यंग फीमेल वेयरिंग अ रेड शर्ट, वन ऑफ दोस किड्स शर्ट्स, इट सेज लाइक टीनजी टैबी और समथिंग। आई एम सरप्राइज्ड द कर्नल हैजंट बर्नड दिस प्लेस आउट येट। I told Matt the site was hands off. I've been running blood tests on several of the youngest ones for months. I need them for the serum. I'm okay. How am I supposed to get the one that you want without killing the rest? Look, I don't know. Just do what you have to do, okay? I need the female wearing the red shirt. यार सरा ने गन दिया था उसको बेहोश करके लाने के लिए, बट वो गन मुझे मिल नहीं रहा है। मैं तो डायरेक्टली जान ले लूँगा। एक काम करते हैं, पहले काम के नहीं उनको उड़ा देता ना, क्योंकि हमें यार मुझे वो गन दिखनी चाहिए थी, वरना मैं उस कैसे एक मिनट, ये तो है, यही तो है। अच्छा, चेंज हो गया अपने आप, यही यही सही 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 बढ़िया। सो यही गन इस्तेमाल कर रही है उसको पकड़ने के लिए। कोई लेडी है लाल रंग की शर्ट पहनी होगी, मतलब वो जो न्यूट है वो गर्ल है शायद, और वो लाल रंग की शर्ट पहने हुए है, उसे पकड़ के लाना है। बस ध्यान रखना उसे मैं मार रहा दूं। ये तो बिल्कुल नहीं है।
यार बड़ा गंदा निशाना ले रहा हूँ मैं, अगर लग गया उसको तो गेम ओवर। ये तो नहीं है ना? नहीं ये वाला। ओ ये लाल रंग नहीं, वो नहीं था। एक ही तरीका है, बाकी सबको निपटाओ, जाके बचा हुआ है वो तो खुद ही सामने आ जाएगा। राइट, मुझे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रैप आपने देखा भी ना, एक ही उठाया हूँ मैं, तो अगर मेरा ये हथियार खत्म हो गया तो परमानेंटली खत्म हो जाएगा। सो इसका इस्तेमाल बहुत कम करूँगा मैं। come on. अरे वाह, तो इसी की बात करता, अच्छी बात है स्क्रैप मिल गया। मैं थोड़ा सा ना इसको पहले उठा लिया मैंने, ओके प्लीज अपग्रेड कर लेता हूँ ये बस बढ़िया रहे, बाकी तो ठीक है संभाल लेंगे हम, क्योंकि गोली वोली ना मिलती रहती है, लेकिन इतना अच्छा हथियार नहीं। यही तो नहीं है, यही है शायद, यही है। सहरा पता नहीं क्या टेस्ट करने वाले ये सब मिशन, उसका अजीब ही होता है। खैर कम ऑन, ओके तो मुझे सोचा था वही करना पड़ेगा, बाकी बाकियों को मारे बिना इसको लेकर नहीं कर सकता। अरे बात जब तक करने लगा तो बीच में आकर दखलंदाजी करना जरूरी हो जाता है इनके लिए। नहीं तो मोहब्बत के दो बोल सुने नहीं कि उतावले हो जाते हैं। कोई और भी है कहाँ? लेकिन आई थिंक क्लियर है, लेके चलते हैं। You want an alive one? You get a live one. कहीं ऐसा ना हो रास्ते में, मतलब जग न जाए वो। Fucking Jesus Christ. Hey, Captain, pistol over my bike. The Colonel doesn't allow for pets on the island, I'm afraid. Lieutenant needed a live test subject. You two seem to be getting along well. You and Lieutenant Whitaker? Doing my job, sir. You'll keep it professional, Corporal. The Colonel doesn't allow for fraternization between enlisted men and officers. Oh, no, no. Can't have any of that, sir. Carry on. Yes, sir. एक चीज आपने नोटिस किया शायद, आई थिंक मैंने बताया नहीं इसके बारे में, थिंक जब हम इस मिशन में जा रहे थे तो इन्हीं कोरी का ही फोन आया था मुझे। Come on, help me. So much for your tranquilizer. Yeah, well, the biology's kind of fucked right now. What do you want me to do? I can't get the right dosage. Here, hold on. This is what I've been working on. How long? Hold on, just a few seconds. Dead? Oh, shit. Holy shit. God damn. Well, I don't know what you put in that. That shit went down fast. Damn it! I think Sarah usko theek karna chahti thi shayad. Marna nahi. Plan kuch aur tha, isliye gusse mein hai. You're not making a bioweapon, you're... Na, hathiyar nahi bada rahi hai wo. Na. Oh my god, are you trying to cure it? I thought that once I got the original cell line from Cloverdale that I could create antibodies for the virus and I could reverse engineer it. Jesus. And now all of that work, everything that I have worked on is for nothing.
save them. Nothing's gonna be able to change them back. So get up, dust yourself off, try again. Were you not seeing what just happened? Every cell in that kid's body just exploded. That's exactly why you can't quit. What? Because you called it a kid. Do you have any idea how many of these things that I've killed? And it never once occurred to me, you know what, that used to be someone's kid. You know, I met this girl once, and she used to talk about the freakers the same way you do. She used to call them sick people. I thought that was crazy, but she looks at them the same way that you do. So you think I'm crazy? No, no. I think you're the first sane person I've seen in 2 years. You know, I still remember the night that I lost you, but I'm starting to realize it wasn't the night that I had left you on that chopper. It was the next night. Me and Boozer, we rode into that refugee camp that you were supposed to be waiting at, right? Except there's freakers everywhere. The choppers are on fire. There's people screaming, so many people. And so we fought, and we won, and what did we get? Bodies. Bodies everywhere. And I checked every corpse, every face. There must have been 1,000 of them, maybe more. I checked every single one. That was the night that I lost you. And Boozer. Boozer, you know, he was just trying to keep me together for the next 2 years. But I didn't give a shit about any of it. And then I see this Nero chopper flying around in the sky, and I start to feel something. I'm thinking, you know what? Fuck you! Fuck you! Because even if she is alive, you know what I'm gonna do? I'm gonna find her, we're gonna ride away, we're never gonna look back, because I don't wanna be part of some militia. I don't wanna fight in a war, and I don't wanna live in some camp. So why are you still here? Because of you. You, man. All of this, seeing how hard you work, seeing how dedicated you are. Most people out there, they're just trying to survive, and here you are. Trying to save the goddamn world. Not doing a very good job. So you get up. You dust yourself off. And you try. Try again. Yeah, right. Try again. We're going back to Cloverdale. They got better equipment. We're going to dig into their research deeper. Oh. You would do that. You would help me. Yeah, I would. I would because you believe in this. मुझे इस गेम से मोहब्बत हो गई और हर रोज बढ़ते जा रही है हर नए एपिसोड के साथ एक नया ट्विस्ट एक इतनी प्यारी बातें और जिस तरह से ये we'll ride north. North? Yeah, we'll ride north. We'll tell them that we're going on a supply run. Yeah, but we're not coming back. No, we're gonna go AWOL. Oh. You know if they catch us, they will hang us. Then we hang together. हम भागने का प्लान कर रहे हैं यहाँ से. मैम. Yeah. Deke, Colonel wants to see you. Be right there. Pack up what you need, I'll be back. Thank you. Yes, ma'am. Okay. Corporal St. John. Colonel, sir. Come with me, please. Are we ready? Colonel, sir. Yes, sir. That shit is locked and loaded. Bike's already loaded, sir. Not sure if I understand. Lieutenant Weaver's weapon is finished. We're ready to test it. Hell yeah. Are you ready to burn down a horde? Oh. Something wrong, Corporal? No, sir. No, no, no. Hell yeah. Let's get this done. All right. Now you're talking, man. Gentlemen. This is the start of a new era. So sara ka wo carry fail on. Ho gaya but Lieutenant Weaver. Weaver ka jo yes, sir. Jo bhi item hai wo weapon hai wo hum test karne ja rahe hain. Mujhe kuch baatein karni thi waise aapse lekin ye khair mujhe main try karunga mujhe yaad rahe. So all right. I figured that I think you should stay up here and let me do this alone. What the fuck? You got a death wish? No. That's why I think I should go in alone.
Look, even with Weaver's jacked up Molotovs, we can't take an entire horde all at once. No. So, I figure I go down there. I get their attention. I pull off a few at a time, and then I run like hell. And I gotta find some way to slow them down, maybe set a few traps. What is Bobari? And then I blow them to hell. Look, two of us running around down there. It's gonna be chaos. We'll just pull the horde down on each other. No, you stay up here. You keep an eye on me. Shit goes south. You ride in there, you get me the hell out. Hmm? Unless you got a better plan. I got nothing. I've got more Molotovs. Ammo. All in my right. Saddlebags. Here does. Good. Good. But, shit's gonna come in handy. Oh boy. थोड़ा सा मुझे हथियार मेरी weapons मेरे पास bullets वगैरह. अरे इसको हटाओ यार. चेंज कैसे होगा? अरे ये गन नहीं चाहिए मुझे मेरी गन मुझे इस गन से क्या कर कैसे चेंज करूँ इसको किस बटन से करूँ अरे यार ये चेंज भी गलत बात है ये अरे चेंज हो गया फाइनली थैंक यू सो मच खैर मैं कह रहा था यार ये कह रहा हूँ जो बातें कर रही थी सारा से रिलेटेड वो तो बाद में करूँगा अभी के लिए अभी ध्यान दो अभी जो करंट चल रहा है वहाँ पर ध्यान देते हैं फिलहाल अंकल को बोला हमने यही रुको हम क्लियर करके आते हैं ये 72% है बुलेट ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं हाँ जी तो वो वेपन जो वीवर ने बनाया वो टेस्ट करने जा रहे हैं कोरी को ने बोला तुम अभी रुको यहीं पे हम मुझे आते हैं थोड़ा टपकाएंगे और Like I said, find a way to slow them down. The sons of bitches like to clump up, climb all over each other. If I can find a narrow space between trucks, buildings, whatever, it'll take them a while to get through. And once I get some space between me and them, you'll blow them the hell up. But you got it. मूवी का रेफरेंस ले सकता हूँ. Repeat a few times. No more horde. That's your plan. That's my plan. Good luck, St. John. मिस्टर जी बटलर की मूवी है मूवी का नाम है 300 आपने देखा भी होगा शायद 300 स्पार्टन्स राइट आई सी यू लेट मी नो इफ यू नीड माय हेल्प अब यार कितनी बातें करते हो यार हो गई मैं बोलूं वहां पे पहाड़ी के बीच में छोटा सा रास्ता होता है उस वहां पे वो लोग इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उसको लेके आते हैं उसके बीच में और फिर युद्ध लड़ते हैं कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कुछ ऐसा जगह खोजेंगे हम बिल्कुल नैरो सा कि वहां से आए और इनको मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे इस तरह की वो एक जगह बहुत सारे आ जाए क्योंकि तो फैले हुए हैं ना फिर हमला करेंगे फिर अटैक करेंगे फिर दोबारा करेंगे फिर इकट्ठा करेंगे फिर हमला करेंगे मतलब ये हमारा प्लान है सो थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ पे भी सब कुछ ठीक है मैं ये देख लूँ मेरे पास कॉकटेल वगैरह है कितनी स्टेमिना है फोकस भी है और हेल्थ भी है फिलहाल बैंडेज भी है और मेडिकेट ठीक है इट्स ऑल राइट थोड़ी मैं हेल्थ फुल कर लेता हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना पड़ेगा ज़्यादा गन रिलोड है बढ़िया ठीक है सब कुछ परफेक्टो लगे हाथ भी देख लेते हैं छूटना चाहे ओ बाबा आराम से आ रहा कुछ पढ़ रहा था यार ऑलराइट बहुत ही सोच के समझ के मोहब्बत से जान द होर्ड इज मूविंग Yeah, that's the idea! Shit! जाओ यार ये नहीं कर रहा था ये नहीं कर रहा था बड़े उतावले हो क्या आ रहे हैं अच्छा आ रहा हूं चलिए आराम करिए ओके थोड़ा सा प्लान बना के रणनीति क्योंकि मेरे पास उतने हथियार खतरनाक है नहीं पहली बात ये एक्सेप्ट कर रहा होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइट से दूर भाग जाए बहुत ही सोच समझ के काम करना है उसके बाद प्लान करेंगे कैसे इनको हराना कैसे है क्योंकि हारने का सवाल पैदा नहीं होता पहली बात ओह दूसरा खास एक मिनट मानता हूँ मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है क्राफ्ट कर पाऊँगा उठाया था मैंने शायद अच्छा ये कितने क्राफ्ट कर पाऊँगा देखता हूँ यार एक मिनट एक दो अच्छा बस ठीक है मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये भी जीरो है
कोई बात नहीं, अट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनको यहाँ बुलाओ, उसे धमाका करो। रुक जाओ यार, बड़ा माहौल वैसे बहुत खतरनाक है। दिख रहा है ये सामने? रुक जाओ। बिना प्लानिंग गए तो मारे जाएंगे तुरंत। ऑल राइट, आ जाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश मैन, शाबाश। खूब लाभ। आने तो पीछा कर रहे थे उनको, ये तो कर रहे हैं हमें। आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो इस्तेमाल भी नहीं किया अंकल। आ जाओ। रन बॉय रन, बहुत बढ़िया, शाबाश, खतरनाक। रन बेबी, वेट, स्टैमिना। ओके रन नाउ, आ जाओ। कुछ और होगा यहाँ पे? एनीथिंग? एक मिनट, मेरे पास है ना। Move. Stamina. You're not gonna tell me. Oh boy. Shit, help. मजा आएगा बहुत अभी। मुझे कोई आइडिया नहीं कि कोई और है कि नहीं दूर। भागते रहो। स्टेमिना खत्म हो गया। आराम से। भाग रहा हूं मैं। आराम से। एक मिनट, तुम तो देखते कुछ और यहाँ पे है कि नहीं ब्लास्ट करने के लिए। कमान, इसे स्टेमिना मरवाएगा आज। कोई बात नहीं। ये रहा, बहुत बढ़िया। आने दो। आ जाओ बच्चों। स्टेमिना है, खत्म हो गया। हेल्थ, स्टेमिना। कुछ और जो ब्लास्ट होता हो। बहुत बढ़िया,
Awesome, man! आज आप क्या उखाड़ लोगे? Reload, 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 faster! आजा, मैं जाना। Hurry, please, please just tell me that's all of them. Oh boy. I can't believe it. You did it. You wiped out an entire horde. Yeah, no problem. पहली बार थोड़ी कर रही है। No problem. इसको देखो स्टाइल में। Okay, थोड़ी बाउंटीज लूटते फिर निकलेंगे यहाँ से। Sarah, are you there? Lieutenant Whitaker, this is Corporal St. John. Reporting in. Come back. Oh, where the hell are you? Captain, I just tried to check in with Lieutenant Whitaker and she's not answering. Couldn't wait to tell her the good news? Yeah, she'll be thrilled. I bet. You'll see her soon enough. Don't radio Lieutenant Weaver. I want to tell him the news in person. Okay, you अच्छा, earned that. अब ये आइटम ले सकते हैं हम. Okay. John out. चलो बड़ी अच्छी बात है. अब निकलते हैं यहाँ से. मोलोटो के मुकाबले कर देखा है तो तीन चार गुना ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लास्ट कर रहा है। रेडियस काफी खतरनाक है और जल भी बहुत देर तक रहा है, मतलब काफी एरिया कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। बट एक बात समझ गया, मुझे पता ही था एक्चुअली में कि ये होर्ड से सामना होने वाला है, वरना पहले तैयारी करके आया होता। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना स्टेमिना, वो सॉरी कॉकटेल नहीं था और मोलोटो में दिक्कत बहुत हुई। मेरे पास अपने नहीं थे, बॉम्ब नहीं थे, पता नहीं था पहले से ना कि मिशन में ये होने वाला। खैर कोई बात नहीं, फिर अच्छी संभाला हमने। चलो अब ये कह रहे हैं कि सैरा को खुद बताएंगे पर्सनली, ये बताएंगे या फिर क्या करें, क्योंकि वो तो एक तरह से उसको सुन के अच्छा नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका काम कर गया। You did it. Weaver did it. I've never seen anything like this. With the way you were one step ahead of them. Ever had a horde breathing down your neck? It really keeps the adrenaline flowing. The colonel's right. Maybe we can win this war. Hey, how'd it go? Oh, I'm sorry, Lieutenant. Oh, shit. It didn't work? I'm sorry, Lieutenant. But you're out of a job. Hell yeah, it worked. Oh, yeah? You should have been there, man. We really lit him up. Oh, man! We're gonna celebrate tonight. The officer's mess. All right, looks like somebody's getting a promotion. Hey, man, you coming? You know what? I'm gonna catch up. Yeah, I gotta take care of something first. All right, you handle that. That's the last of it. Be careful not to break anything. Some of these things are irreplaceable. What's going on? Where is the lieutenant? Corporal St. John. I'm sorry, sir. It's all right, son. All essential personnel doing R&D have been moved. Moved? Where? Because I need to deliver these supplies that she asked for. I understand. There's been a... Walk with me, son. क्या हो गया? Please. सारा यहाँ नहीं है, उसको... Ma'am, Colonel's orders. Matt, you can't do this. You can't keep me locked in here. At ease, Captain. And then the Lord said to Noah, enter the ark, you and all your household, for you alone I have seen to be righteous before me in this time. What are you talking about? I'm sorry, Lieutenant. You can't! Colonel, wait! Hey! It's fine. It's fine. Ma'am, I got the supplies that you asked for. Come on in. Follow me. I've been working on a new assignment. Poison this time. Listen. When you pick this, you have to do it carefully. If you don't, it could kill you. Understood. I'm gonna get you out of here. Thank you. Yes, ma'am. St. John. I haven't seen her. This is Captain Curry. Come in. I'm here, Captain.
Colonel has asked to see you. Hey, Weaver. Oh, Corporal St. John. Come on in, man. Check out my home sweet home. Yeah, I love what you've done with the place. Man, ain't this some shit? बात करें क्या मौका ही मिल रहा है कि बाद एक के बाद एक कटसीन स्टार्ट हो गए down that way yeah I heard about that you know she didn't take it any better than I did no she did not do you need anything nah man I'm good oh wait you know what there is something you can get from me you hear that hear what that's right nothing colonel exactly big on tunes in case you hadn't heard I think it's a Mennonite or some shit no it's dancing wait what's Dance. The Mennonites, they love music. They just have a problem with dancing. Forget it. Oh, it's... no shit. Yeah, whatever, dude. I don't care. I need an MP3 player. Earbuds. Anything. Sounds. Are you kidding me? Do I look like I'm kidding? God, they are. Okay. Thank you. अजीब अजीब सी डिमांड है इनकी भी मतलब So, बहुत टाइम से जो मैं बात कर रहा हूँ Corporal St. John, I won't tolerate insubordination. Private, I'm trying to work. Get out. Sorry, ma'am. Colonel's orders. Gotta keep eyes on you 24/7. Lieutenant. Sorry. Yeah, just reporting in. I got a question about your requisition form. Yes, Corporal. It says that you need me to collect water hemlock. Yes. It grows along the edges of wetlands. Look along the north edge of the Klamath Marsh. You should be able to find it there. Klamath Marsh. Got it. Remember, Corporal. What? It's highly poisonous. All right. The most toxic plant that grows in North America. Okay, I'll be careful. And the last report said that there were infected crows in the area, so you might want to take something to burn out their nests. Burn out their nests. Got it. One more thing. That other project that I'm working on... I'm gonna have more information on that soon. Thank you, Corporal. Lieutenant Whitaker out. Oh boy. They're gonna need some shotgun ammo. Burn out the nests. Gonna need Molotovs. Yep. और कुछ? Demand ऐसी खत्म नहीं हो रही. किसी को सुनने के लिए गाने चाहिए. किसी को earphones, music चाहिए. किसी को जहर लाके दो. किसी को ये लाके दो. वो लाके दो. मतलब क्या समझ लिए हो यार? खैर. जो बहुत 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 पहले सरा ने एक बात कही थी दिल को छू गई थी वो बात वो थी कि अभी तक जितने भी लोग मिले हमसे वो न्यूट को न्यूट कह के बुलाते हैं जॉम्बीज फ्रीकर्स कह के बुलाते हैं तुम पहली लड़की हो जिसने किड कह के बच्चा कह के बुलाया है तो तभी समझ जाना चाहिए था कि हाँ सरा उनको ठीक करना चाहती है ना कि मारना चाहती है और मैंने आपको एक बात और बताया था कि ऐसा कुछ एक मिनट ओके ऐसा कुछ क्या बोले वाला था हाँ ऐसा कुछ हुआ जहां पे विटेकर नहीं वीवर और सारा में से कोई किसी एक का प्रोजेक्ट अगर काम करता है तो दूसरे का आइटम उसको लेके छीन लिया जाएगा उससे और उसको तो वही हुआ सारा के साथ अब उसका किसी काम की उसके प्रोजेक्ट से वो है नहीं तो उसको किसी अलग जगह पे यहाँ पे हवाडर वहां यहाँ वहां रख दिया गया है एनीवे फिलहाल अभी हम जब सैरा से मिलने गए थे तो हमने सैरा को बोला था कि सैरा को हमने ये बोला कि चिंता मत करो तुम्हें हम यहाँ से लेके जाएंगे ठीक है फिलहाल एक मिशन है भाई साहब का उनको और कुछ म्यूजिक सिस्टम या कुछ ईयरफोन हेडफोन म्यूजिक टाइप को चाहिए झलक दिखला जाए टाइप का कुछ तो वो लेके आना है मुझे तो उसके लिए मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ पहले वही चलता हूँ This is Ricky to Lost Lake. Come back. Yeah, Ricky, what's up? Ricky! Boozer! Can you hear me? Deacon of Lost Lake Camp, come back. Just checking in to see what else Addie needed. She... God damn it, Ricky, I don't know. Oh, Iron Mike said... Boozman! Ricky! Well, give him hell, Boozman. Give him hell. I gotta finish burning out this infestation, so... Weaver, here. Say, John! All right, man. I was housed in some kind of tent. It was like right in the middle of camp. Okay. Can you tell me anything else? I mean, come on, these all kind of look the same. Wait. Yeah,
flagpole, a big one. They're flying the good old stars and stripes. Oh, very patient. All right. All right. Well, I'll have a look. St. John out. मुझे आपसे यहाँ पे आप दो बातें करनी है, ठीक है? दो नहीं, एक्चुअली तीन बातें करनी है. पहला ये है कि हमने कांटेक्ट किया था ओब्रायन को. ओब्रायन आपको पता होगा, ये वही बंदा है जिसने सारा को ट्रैक करने में बहुत हमारी हेल्प की. वो बात अलग है, बदले में उसकी बहुत हेल्प करनी पड़ी, बहुत ही बोरिंग मिशन पे जाने पड़े, लेकिन फिर भी सारा मिल चुकी है. और उससे कांटेक्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि हमें उसे ये बताना था कि सारा मिल तो चुकी है, लेकिन उसे ये जो मलेशिया के लोग हैं उन्होंने उसको हेल्प कई एक जगह पे पकड़ के रखा हुआ है. फ्लैग स्टिल फ्लाइंग. और हमें उसको वहीं से निकालना है, तो उसमें ओब्रायन की मदद हमें चाहिए इसके लिए. दूसरी बात ये है कि I'll come back later, finish burning out these nests. Yeah. दूसरी बात यह है कि कर्नल से हमारी बात हुई अभी, ठीक है? एक कोई स्पाई है, कोई जासूस है जो हमारे कैंप के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है या लगा रहा था, और कर्नल चाहते हैं कि हम उसको खोजे और पता करें कहाँ पे है वो, कौन है, क्या क्या जानता बारे बारे में, और उसको पकड़ के लाए. ट्राई करना है जिंदा. ये हुई पहली बात. दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि अभी जैसा आपने रेडियो पर सुना बूजर और रिकी की बातें हो रही है, वो लगातार फ्रिक्वेंसी कैच हो रही है. ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे कोई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में जैसा ऐसा कोई हम स्टोरी में कोई बताया नहीं गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्रिक्वेंसी पर बार बार कोई है, कोई है, कोई है, कोई है. वो आंटी है, हमारी फेवरेट आंटी. सो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में जल्दी ही जाना पड़े लॉस्ट लेक. तो ये थी तीन बातें. फिलहाल अभी हम जहाँ पे हैं वो है मिशन वीवर का. मिस्टर वीवर वही जो एक्सप्लोसिव जिन्होंने बनाया था, और हमें खोजना है यहाँ पे वही रेडियो, वही लेने आए हुए हैं यहाँ पे. बहुत सारा चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे ना मोलोटोव की बहुत सख्त जरूरत है. What's this? यही है क्या? अच्छा यही है. Can use that. Here it is. I hope it's worth all this trouble, Weaver. मेरे पास मोलोटोव कितने हैं यार एक बार. आहा, ये केरोसीन नहीं है. शिट, थोड़ा एरिया छानते हैं अगर कुछ मिल Another bounty. मिल जाए तो, क्योंकि मुझे पता है आने वाले मिशन में बहुत जरूरत पड़. देखो नाम लिया और हाजिर. Where is it? God damn nest. It's gotta be close. अरे दिक्कत तो ये भी है, नेस्ट को बर्न करने के लिए भी चाहिए यार मोलोटो. एक बन एक एक बन जाएगा बस, लेकिन शिट मैन शिट, तीन होता तो फिर ब्लास्ट कर दी होते. There's another nest. Yeah, I can see that. But how man, how? वो चाहिए ना, वो है नहीं इसके लिए जो आइटम लगता है. सिर्फ एक है हमारे पास. अगर फ्यूल कैन मिल जाए तो उससे भी काम चला लेंगे हम. एक मिनट, उधर है वो, नहीं उस पर ड्रम रखा हुआ है, वो नहीं है. मेरे पास बाकी चीज़ें हैं, केरोसिन का ही पंगा फंस रहा है बस. वो होता है तो फिर दिक्कत नहीं होती. यहाँ आ चुके हैं, इसको लूट चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ और खास नहीं होगा. ये रहा कैन ऑफ फ्यूल. आई मीन एटलीस्ट दो, एक और यहाँ भी है. एटलीस्ट दो नेस्ट को तो निपटा सकते हैं ना. नेस्ट इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ये. एक मिनट, एक मिनट, ठीक है चलो. इससे एक फायदा ही होगा ना कि हम अब फास्ट ट्रेवल करना होगा इस आस लोकेशन के आसपास, तो पंगा पैच में नहीं होगा. आ जाओ बच्चों, कम ऑन.
अरे ठीक है, मत आओ, जाओ, मैं चला। अरे रुको यार, आसपास ही है नेस्ट। वेट 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 बॉय, वो लेके आते हैं दूसरा वाला। अब आ गए तो खत्म करके चलते हैं यार, कोई कोई मतलब नहीं बनेगा बाद में बात के छोड़ने का। क्या पता दोबारा कब आने वाले हो, और आएंगे फिर दिक्कत फंस जाएगा। वो होगा नहीं फास्ट ट्रेवल, फिर लंबा चक्कर मारो यहीं पे। एक मिनट, कुछ है यहाँ पे पॉइजन। फाइनली जीसस, इसका इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। एक मिनट यार, वो सांड खड़ा है, बढ़िया। इसको पहले अपने फ्यूल को यूज कर लेते गाड़ी में, क्योंकि ना ये कभी खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। 90% अपग्रेड करने के बाद काफी मैं Good. अच्छे से यूज इस्तेमाल कर पा रहा हूँ इसका। बहरहाल ये रहा Another nest. Let's go. अरे यार घटाओ ना, एक मिनट, इसको साइलेंसर हटा देता क्योंकि वेस्ट होगा फालतू में। ओके ऑलराइट बॉय, रन नाउ। ओके कूल फाइन, रन नाउ, लेट्स गो। अरे रास्ता कहाँ है? वेट अ सेक, gotta be right around here. कौन है ये? Bye bye nest. Let's go buddy, let's go. Woohoo! Thank you so much. यार जहाँ पे एक्सी बढ़नी चाहिए वहाँ नहीं पड़ रही है। That'll be safer right through here. मैं बात कर रहा था उसका डायमंड लेक का, क्योंकि वहां पे अगर लेवल एक मिनट रुक के बात करता हूं, अगर वहां पे लेवल 3 हो। कैसी आवाज है? अगर वहां लेवल 3 हो जाता एक बार ना, तो वहां फायदा ये होगा कि हम नाइट्रो लेवल 3 अपग्रेड कर पाएंगे। कुछ चल रहा है यहाँ पर, हे बेबी, बाय बेबी। चाहिए हमें। हाँ जी, बाइक आए, बाइक और घोड़े में ही फर्क होता है यार। घोड़े को सीटी मार के बुला सकते हैं, बाइक को नहीं बुला सकते। बस यही एक छोटी सी डीमेरिट है, वरना बाकी सब तो मस्त है, मजा मार। चलिए अब मैं जा रहा हूँ वीवर का रेडियो वापस करने के लिए, फिर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं, ठीक है? अगर पहुंच जाओ, रास्ते बड़े वियर्ड से हैं। चलो नाइट्रो की ड्यूरेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, इसीलिए हमें चाहिए वो। ओ बॉय, शिट 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 शिट, ध्यान नहीं दिया मैंने। इतना आसान नहीं है, मार लोगे। हेडशॉट बेबी। बट उन्होंने एक बहुत गलत चीज कर दी मेरे साथ। ये हरकत करने के बाद बाइक बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद उसका इंजन रिपेयर करना होता है, जिसमें बहुत सारा वो लगता है जो मेरे पास है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैप की, मेरे पास नहीं है। अरे यार रिपेयर इंजन कहाँ से कर दूँ रिपेयर मैन, ऐसे लेके चलना पड़ेगा। चलो
स्टार्ट भी नहीं होगी क्या? गलत बात है। शिट, इक्का दुक्का मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए काम हो जाएगा, एक भी मिल जाए। अरे नहीं चाहिए यार ये। ये भी नहीं चाहिए। वेट अ सेक, एयर बैग, सीरियसली? अरे यार एक स्क्रैप नहीं है। पॉइजन क्यों मिले यार? मिशन तो कंप्लीट भी नहीं किया अभी तक मैंने पॉइजन का यार। पहिया पहिया करते हुए आगे बढ़ना होगा और कोई तरीका नहीं है। स्क्रैप स्क्रैप ओह स्क्रैप, थैंक गॉड। बहुत सही टाइम पे मिला। Always need scrap. मैंने अपग्रेड कर रखा अपनी बाइक को इस तरह के कि मैं एक करूंगा तो 25% तो अपग्रेड रिपेयर हो ही जाएगी। Let's see. 25% बहुत है, बहुत है, बहुत है। इतना पहुंचा देगी, घर तक पहुंचा देगी एटलीस्ट। चलो बस रास्ते में कहीं टकराया नहीं। आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं पहुंचने की। ओ या बेबी, नाइस। गेट खोल दो अंकल लोग, बाइक डैमेज है मेरी। थैंक यू। अब अपने पैसे यहां खर्चा करेंगे 18,000। यहां कुछ मिलता उलता नहीं है यार, तो पैसे ही लगाएंगे अपने रिपेयर कर रहे हैं बाइक को। खरीदने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलता कुछ खास। कहने के लिए ये आइलैंड है बट है बिल्कुल लुल। Why are you not working hard? Why are you still in my obstacle course? What? Yes, Sergeant. लगे रहो जवानों, हम दंड पेलू बॉडी बना रहे सारे सारे। Corporal Saint John. Oh yeah. चलो अच्छा। Deke. Hey man. I saw you ride right out with the Wizard Island Witch the other day. Thank God. How did that go? See you, Corporal St. John. Hey man, how'd you do? This is all I could find. Oh man, what do we have here? Oh, brother, you're a lifesaver, dude. Right on. Thank you. Do you need anything else, Weaver? Weaver, do you need? Totally. Hey, Corporal St. John, you one of the good ones, man. Brother from another mother.
All right. So, एक बात आपने नोटिस किया होगा, जितने मिशन अब तक यहाँ पे हुए हैं इस आइलैंड पे आने के बाद या फिर कोरी वाले लेक पे जाने के बाद, वो सभी बड़े मोहब्बत से हुए हैं। मतलब यहाँ के लोगों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब जो मिशन होने वाला है, यानी कि हम अगर हम सैरा को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके भागने की बात कर रहे हैं, कभी ना लौट के आने की बात कर रहे हैं, ये कौन है? अच्छा, दूर से देखा तो लगा कि न्यूट है, कर रहे हैं। तो अब वहां पे थोड़ी सी या थोड़ी सी बहुत बड़ी वाली मतभेद पैदा होंगे, बवाल होगा बहुत ज्यादा, इतना पता है हमें। सो उसके लिए रेडी रहना है। थैंक यू सो मच एपिसोड वॉच करने के लिए, अपना समय देने के लिए। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, लाइक करना मत भूलना, अगर अच्छा लगा हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, डिसलाइक का बटन भी आपके पास है, ऑप्शन आपके पास सारे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बहुत 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 जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।